गजानन की प्रेरणा मड़िया से बना मंदिर भोग के लड्डू का आकार भी हुआ 51 किलो। कोलारस अनुविभाग के ग्राम लुकवासा की गणेशपुरा कॉलोनी में स्थित गजानन भगवान को गुरुवार को 51 किलो के लड्डू का भोग लगाया गया। मंदिर पर 51 किलो के लड्डू का प्रसाद पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय रहा। 51 किलो के एक लड्डू का भोग लगाने के संबंध में जब गांव के लोगों से बात की तो उनका कहना था कि ये किसी विशेष प्रायोजन से नहीं किया गया है। उनके अनुसार हर साल 51 किलो लड्डू का भोग लगाते थे। एक बार अचानक से भक्तों के मन में आया कि क्यों ना 51 किलो के लड्डू का भोग भगवान को लगाया जाए। 51 किलो का लड्डू बनाना मुश्किल था, इसलिए इस बात पर मंथन चल रहा था। तभी एक हलवाई खुद आया और 51 किलो का लड्डू बनाने की जिम्मेदारी ली। गांव वाले मानते हैं कि इसमें उनका कुछ नहीं है, ये तो भगवान की प्रेरणा है। उनकी ही प्रेरणा से भगवान की मड़िया मंदिर में बदल गई और 51 किलो लड्डू का भोग 51 किलो का लड्डू का भोग बन गया। जब भगवान गणेश के मड़िया और प्रतिमा के इतिहास के बारे में गांव वालों से पूछा कि मंदिर की स्थापना किसने और कब कराई, तो गांव का एक व्यक्ति ये भी नहीं बता पाया कि मंदिर और प्रतिमा कितने पुराने हैं। गांव के सबसे उम्रदराज 99 वर्षीय बुजुर्ग और रिटायर्ड शिक्षक माधव सिंह के अनुसार उन्होंने इस मंदिर को बचपन से ऐसा ही देखा है। उनके बुजुर्ग यही कहते थे कि वो भी मंदिर को ऐसा ही देखते आ रहे हैं। मंदिर के पुजारी अय्या महाराज बताते हैं कि उनका परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी मंदिर की पूजा करता आ रहा है। बकौल अय्या महाराज, उन्होंने मंदिर के पूर्व पुजारी और उनके दादाजी स्वर्गीय मूलचंद बैरागी ने अपनी डायरी में लिखा था कि मंदिर की स्थापना सत्यापन 1444 ईस्वी यानी कि 634 वर्ष पहले हुई थी। लड्डू को बनाने वाले हलवाई का कहना है कि इस लड्डू को बनाने में 9 घंटे का समय लगा। उन्होंने लड्डू को बनाने के लिए 15 किलो बेसन, 8 किलो घी, 28 किलो शक्कर का बूरा और 500 ग्राम काजू, 500 ग्राम किशमिश, 500 ग्राम बादार, 500 ग्राम पिस्ता और 250 ग्राम डोडा का उपयोग किया है। उनके अनुसार इतने बड़े लड्डू को बांधना चुनौती थी, लेकिन ये सिर्फ गजानन की मर्जी से ही संभव हो पाया है।